खबर मथुरा से है, जहां के गोवर्धन धाम अंतर्गत बरसाना मार्ग स्थित गौतम खंडेलवाल निवासी गोवर्धन की राधा रानी सर्विस स्टेशन के नाम से है, जहां पंप पर कई वर्ष से अकाउंट का काम हितेश जैन करता रहा है। आरोप है कि अकाउंटेंट हितेश जैन 52 लाख रुपए का गबन कर फरार हो गया है। पंप संचालक गौतम खंडेलवाल ने बताया कि निरौती मास्टर निवासी नीम गांव के कहने पर हितेश जैन को नौकरी पर रखा था। वो पंप पर अकाउंटेंट का काम करता था। लॉकडाउन के समय उसने मौके का फायदा उठाकर 40 लाख रुपए का गबन किया। जालसाजी पकड़ी गई, जिसकी जानकारी निरोती मास्टर को दी। उन्होंने डांट फटकार कर रुपए वापस करने को कहा था। इसके बाद 12 लाख रुपए का गबन कर दिया। हिसाब मांगने पर नौकरी छोड़कर फरार हो गया। थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर जाँच कराई जा रही है। सबके लाखों रुपए कोई मामला पंप से प्रकाश में आ रहा है, क्या कुछ मामला है? देखिए, हमारे यहाँ हितेश जैन नामक एक मैनेजर रहता था। उसको नीम गांव स्थित जो है निरोती मास्टर एक अध्यापक हैं, हमारे क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध अध्यापक रहे हैं, वो उसको लेकर आए थे मेरे पास 2018 में। उन्होंने कहा था कि ये इसके बच्चे मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं और इसको आप अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए। तो हमने उनके कहने पर उसको अपने यहाँ रख लिया। और चूँकि 1.5 साल तो कोरोना के समय में निकल गया पूरा, उसके बाद चूँकि मैं समाजसेवी आदमी हूँ, मैं सोशल में अपना ज़्यादा समय बिताता हूँ, तो मैं इस दौरान विधानसभा के चुनाव भी रहे, तो चुनाव के समय भी मैं थोड़ा सा व्यस्त रहा और अपने अकाउंट्स को मैं प्रॉपर चेक नहीं कर पाया। क्योंकि मार्च क्लोजिंग का समय आ गया था, तो तमाम पार्टियों से बातचीत करना शुरू किया, भाई सबकी तरफ पैसे डेबिट खड़े हुए हैं, तो पैसे सबके आने चाहिए। तो अधिकांश पार्टियों ने कहा कि हम लोग पेमेंट कर चुके, ये हमको जैन ने जो है वो रिसीविंग दे दी, जबकि उन पार्टियों के खाते के अंदर पैसा बकाया लिखा चला आ रहा था। इस संबंध में जब जैन से बात करी और सख्ती से पूछा गया, तो वो उस समय यहीं पंप पे मौजूद था, सख्ती से पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट सट्टे में उसमें हार गया हूँ मैं। जबकि हमको उसकी बातों से ऐसा लगता नहीं कि वो आदमी कभी उसने छुट्टी नहीं ली, कभी किसी से मिला नहीं वो आदमी, क्योंकि उसने पैसे को सट्टे बट्टे में हारा होगा। वो आदमी ने पैसा उसके पास है और वो उसके भाइयों के पास, उसकी बहनों के पास, उसके भाइयों के पास, तो पैसा सब उसके पास है। इसको लेकर आपने पुलिस को सूचना दिया? हाँ, हमने तहरीर दे दिया, तहरीर पे उन्होंने पुलिस ने जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया है उसके 420 में, और बाकी आगे की कार्रवाई अभी की जा रही है।